हेलो नमस्कार, कैसे हो सब लोग। स्वागत है एक नई वीडियो में। अभी मैं आया हूँ काली माता के मंदिर पे। ये मंदिर चंदौली में बहुत ज़्यादा फेमस है। इस मंदिर का फेमस होने का एक सबसे बड़ा कारण है, यहाँ पे शादी बहुत ज़्यादा होती है। गर्मियों के मौसम में शादी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। और जो लोग यहाँ पे शादी करते हैं उनके अनुसार उनकी ज़िंदगी सुखमय रहता है, इसलिए यहाँ पे शादी बहुत ज़्यादा होती है। तो बने रहिए वीडियो में, दिखाते हैं आपको काली माता का मंदिर। ये पीछे देख सकते हैं साईं बाबा का फोटो लगा है। और चलिए दिखाते हैं मंदिर आपको। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये है श्री काल भैरव जी और ये शनि बाबा का मूर्ति है, शनि देव का सॉरी। और यहाँ सामने से एक पोखरा है यहाँ पे मंदिर पे, देख सकते हैं। अभी थोड़ा मतलब पोखरे में गंदगी है, लेकिन कुछ दिन बाद यहाँ युद्ध पुत्र का व्रत है तो साफ सफाई हो जाएगा जल्दी ही। चलिए मंदिर की तरफ चलते हैं। ये हवन कुंड है, ये ऐसे सामने से दिखता है। आइए मंदिर में चलते हैं। ये है काली माता का मंदिर और ये सामने मूर्ति है काली माता का, देख सकते हैं एक बार। काफ़ी फेमस है ये मंदिर, यहाँ पे शादी बहुत ज़्यादा होती है। चारों तरफ से दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए। गर्मी के मौसम में यहाँ पे असली मार्च अप्रैल मई जून जुलाई ये सब मौसम में शादी ताबड़तोड़ होता है यहाँ पे। एक शादी ख़त्म नहीं होती, दूसरी लगी रहती है यहाँ पे शादी। मतलब शादी का कोई लिमिट नहीं रहता है कितना शादी हो जाए। यहाँ पे मिडिल क्लास से लेके हाई क्लास सब लोग आते हैं शादी करवाने के लिए। बाहर कई सारा रूम है, दूल्हे की तरफ से दुल्हन की तरफ से पच के लोग आते हैं तो उसी रूम में स्टे करते हैं। मतलब रूम का बुकिंग पहले से ही हो जाता है, देख सकते हैं। ये दान पेटी है। चलिए बाहर की तरफ दिखाते हैं रूम जिसमें लोग आकर स्टे करते हैं शादी के लिए। ये सामने हनुमान जी का एक मूर्ति है, देख सकते हैं। चलिए दिखाते हैं पीछे से इसका नज़ारा। ये देख सकते हैं पुजारी गृह। और हर 15वें दिन बुधवार को वैद्य जी मिलेंगे। अगर किसी को दवा की ज़रूरत है तो आ सकता है, वैद्य जी से मिल सकता है। देख सकते हैं क्या क्या चीज़ का दवा मिलता है यहाँ पे, मतलब वैद्य जी दवा देते हैं। ये सब है रूम जहाँ लोग बुकिंग करके स्टे कर सकते हैं शादी के लिए। ये मंदिर चंदौली मझवा रेलवे स्टेशन के पास ही है, देख सकते हैं उधर रेलवे स्टेशन है और ये मंदिर है। हालांकि लोग ऐसे ही आते जाते हैं इसलिए यहाँ का मतलब ये दशा ऐसी हो गई है। ये रास्ता शॉर्टकट पड़ता है इसीलिए लोग ऐसे आते आते मतलब इतना गड्ढा हो गया और यहाँ पर पानी भर गया, कीचड़ हो गया है, देख सकते। शॉर्टकट की वजह से ऐसा हो गया, लेकिन क्योंकि रास्ता बना है ऑलरेडी, लेकिन लोग वैसे नहीं जाते हैं। ये देख सकते हैं लोग आते जाते पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया है, बरसात का मौसम ही है। और यहाँ पे है शादी विवाह हेतु रूम बुकिंग के लिए संपर्क करें वकील बाबू अकेला, मोबाइल नंबर लिखा है, संपर्क कर सकते हैं अगर शादी के लिए रूम बुक करना हो तो। ये शंकर जी का मंदिर है। इसमें एक शिवलिंग है, देख सकते हैं। ये शंकर जी का मंदिर है अलग से। और इसके सामने एक कुआं है, फिर रहा कुआं। और ये दुर्गा माता का मंदिर है। एक्चुअली भारत के लोग आस्था से काफ़ी जुड़े रहते हैं और शुरू से ही जुड़े आ रहे हैं, तो आस्था से जुड़े रहिए, नास्तिक मत बनिए, आस्तिक बनिए। और यहाँ पे शंकर जी, दुर्गा माता, काली माता और हनुमान जी चार लोग का मंदिर है, मतलब मूर्ति रखा हुआ है। एक ही मंदिर पे एक ही स्थान है, सब लोग का मूर्ति रखा है। ये हनुमान जी का मूर्ति है, काफ़ी खूबसूरत मूर्ति बना है हनुमान जी का है। ये मंदिर के पीछे से नज़ारा है, काफ़ी खूबसूरत बना है मंदिर है।
देख सकते हैं। तो बस इतना ही है मंदिर, काली माता का मंदिर इतना ही है। ये रेलवे स्टेशन के पास में है, यहाँ से रोड आया है तो काफ़ी सारे लोग आते जाते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है, तो प्लीज़ इग्नोर इट। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।